hanging, rest in peace to my superior. गाड़ी निकाल ली है, गाड़ी का हाल आप देखें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम क्या दुनिया से गायब हुए। गाड़ी का हाल देखें, ये देखें खड़ी रही। और किसी उग पीपल से लिखा हुआ है उगली पीपल्स, खुद हो गए उगली पीपल्स, आप जो भी हो जिसने भी लिखा है। को मैं हालात दिखाऊँ, इसको धुलवाना भी है हमने, अपनी डेंटिंग पेंटिंग भी करवानी है। आ जा चुरा दे तू, आ जा आ जा आ जा आ जा, ध्यान हमारी गड्डी से। इसकी हालत देखें, गाड़ी की फुल गंदी हो रही है, इसको भी हम अब धुलवाएंगे, पॉलिश पॉलिश कराएंगे। और ये किसने मार दी, ये तो लकीरें डालें किसी ने, कोई बात नहीं, लकीरें डालना आम बात है मेरी गाड़ी पे, हर बंदा डाल देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या हालत हो रही है गाड़ी की। जा रहे हैं फिलहाल हम अपनी बियर्ड थोड़ी सी कटिंग वगैरह करवाने जा रहे हैं, और उसके सामने सर्विस स्टेशन, अगर फादी को तो उससे हम गाड़ी भी दिलवा लेंगे, नहीं तो हम इस गाड़ी को डिटेलिंग होने देंगे। तो अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट के हम कटिंग कुटिंग खत खुद करा कर शावर लेके फिर हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और आपसे तीन चार मेन बातें करनी है, वो सारी हम करते हैं। तो फिलहाल आपको भी मौज आके मिलते हैं। हमने दे दिए धुलने, अब हम सामने कटिंग कराने चलते हैं, तो वो आपसे भी आके गाड़ी में ले लेते हैं। और हम आ गए हैं इस बंदे के पास, इधर से देख कितना सोना बंदा, क्योंकि तो हम यहाँ आ गए हैं अपनी बियर्ड बियर्ड करवाने। फिलहाल हम यहाँ पे नोज़ को पहले लगवा लें ब्लैक मार्क, क्योंकि ब्लैक हेड्स बहुत हुए थे। ऊपर करके लाने भी थोड़ी, अब मैं सांस नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं मैं सांस नहीं आ रहा, ठीक है भाई स्मेल से लाई बड़ी दूर है नोज़ साढ़े आ। मैं कम सीख लिया, फिर 10 साल तो नहीं सीख सकता, फिर मैं अपने 1000-1500 तो बचा लिया करना महीने में। की करोगे 1000-1500 से बचा? गड्डी से लावांगा, गड्डी भी अच्छा, गड्डी तो ला लेंगे। हाँ पुठे काम ला लेंगे, गड्डी चलाने पुठे काम होंगे तो ना भी से बदी से उठा। आज फ्री हो गए कि अपने गाड़ी में मंचला साफ गाड़ी हो गई है, बस अब ये स्प्रे लग रहा है गाड़ी में, और उसके बाद हमारी गाड़ी रेडी है, फिर हम चलेंगे। The next day. Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to another vlog and another day, another video. क्या हाल है सर, बिल्कुल ठीक है, फिट है, तबीयत सेट है। हाँ जी यार, मुझे पता है बड़े दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, तो उसी के बारे में आपसे मैं दो तीन बातें करनी है। इस तरह है यार व्लॉग, यार ये क्यों नहीं टिक रहा, अच्छा पॉलिश लगी हुई है। तो इस तरह है कि मुझे ना आपका भाई पिछले लास्ट कपल ऑफ डेज से ना बहुत ज़्यादा बीमार था, सिक था, यू नो बीमार, तो इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं अंडरग्राउंड हुआ हुआ था, ना कहीं आ रहा था ना कहीं जा रहा था। तो मुझे असल में हो गया था, मैंने आपको शायद आप लास्ट व्लॉग में देखा होगे, उसका नाम क्या है, मुझे ना मैंने बताया था बुखार बहुत चढ़ रहा है, तो जब मैं टेस्ट वगैरह कराए तो उसका नाम क्या है, वो टेस्ट में उस वक्त तो क्लियर है, मगर जब मैंने दोबारा दो तीन दिन बाद टेस्ट कराया ना, जब बुखार उतरे ना, तो मुझे हो गया डेंगू, डेंगू मीन डेंगी, तो मुझे डेंगी हो गया था, तो उसके वजह से बहुत तबीयत ख़राब थी, घर थी था। अब यकीन करेंगे 24 घंटों में से ना 23 घंटे ना मैंने सोते ही रहना, इतनी मेरे में मतलब एक बेड पे एक ही जगह पे पड़े मैं, तो लेटे रहना उठे रहना, ना मुझसे उठा जाना ना हिला जाना, वॉशरूम भी मैंने बड़ी मुश्किल से उठ के जाना, तो ये सीन था। तो बड़े लोग टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि भाई आपका व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा, तो भाई ये व्लॉग ना आने की मेन वजह ये थी। तो आपने कल वीडियो देखी नहीं होनी है, तो एक सेकेंड अंडर पास गुजर जाए यहाँ पे, फिर मैं भी नहीं आ रही, ज़्यादा प्यारा आ रहा है, तो मैंने साफ लगाया। तो पिछली वीडियो तो आपने देख ली होनी है, जिसमें मैं निकला था कल, हाँ कल निकला था, क्योंकि रिपोर्ट्स मैंने परसों कराई थी, तो वो मेरा जो
नेगी था वो नेगेटिव आ गया था, मतलब जो प्लेट्स कम हुई हुई थी वो मेरी अंदर की पूरी हो गई है। तो मैं कल निकला, मैंने बीएड शीएड कराई क्योंकि मैंने आज यूनिवर्सिटी आना, मेरा बहुत ही था कि 15-16 दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा था, हाँ मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी। तो मैंने बीएड कराई, गाड़ी धुलवाई, फिर आप लोगों ने मैं सुबह उठ के देखा, आप इसके बाद वीडियो देख ही रहे होंगे, वो जो कैस्पर ने गाड़ी के फेंडर पे नाखून मारे हुए निशान, वो एक नया रोला डाल गया, हर एक सेल पे किसी ने लकीर डाली हुई, स्पीड डाल दी, मेरे ऊपर तो मुसीबतें ही आ जा रही हैं, सदका देता भी हूँ, फिर ये पता नहीं किसकी नजरें हैं, किसकी बदवाएं लगी हुई हैं। तो खैर भाईजान, अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ, टेस्ट की रिपोर्टें क्लियर हो गए, टेस्ट क्लियर हो गया, मगर वीकनेस मेरे अंदर बहुत है, डॉक्टर ने कहा है कहीं नहीं आना जाना, रेस्ट करना है, मैं फिर भी आज ज़बरदस्ती घर वालों से लड़ के यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ कि आज जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो असाइनमेंट वगैरह थी जो देनी थी, मतलब 2 या 3 नवंबर को देनी है, जिनका मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं किए ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी चलते हैं, फिर आगे जाके आपको मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके बताते हैं कि आप ले आना है, सिर्फ 2 घंटे की इजाज़त मिली है मुझे कि 2 घंटे में आपने वापस आना, यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादा से बैठे रहना है, क्लासेस वगैरह लेनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए यूनिवर्सिटी चलते हैं, यूनिवर्सिटी जाके मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। उठो, यूनिवर्सिटी जाने के लिए यकीन मानेंगे, हाँ इसने क्या किया, तुझे शर्म नहीं आती, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, इसने प्रियस अंदर खड़ी थी, ये रात को खोला हुआ था, किस जनाब साहब ने सारे स्क्रैचेस डाल दिए। हाँ ये तूने क्या किया, तूने हाँ हाँ क्या किया, उठना जरा, खड़ा हो सामने आ, वो देखिए हाँ छोट खड़ी हुई है, आज गाड़ी मैंने बाहर निकाली थी, अंदर सफाई होनी थी, तो ये देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह, हाँ तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे 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 शर्म 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 आनी चाहिए। वो आर एक सीट खड़ी है, अभी फिलहाल हम तैयार शुरू होने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, शर्म आनी चाहिए कश्मीर, हाँ तो आपको तैयार छोड़ के मिलते हैं। ये इस गाड़ी के शिकार में है कि इसको मैं डालूंगा, इसको तूने कुछ किया ना तो तुझे ना मैं वैसे ही जिंदा गाड़ दूंगा, आई समझ, अगर तूने इस गाड़ी को कुछ किया, उसको तो तूने खैर कर दिया, उसकी भी तुझे माफ़ी नहीं है, मगर इसको तुमने हाथ नहीं लगाना कैस्पर। A few inches later. आगे हैं ये लोग, मेले खेलते रहते हैं, क्लासे लेते नहीं ये लोग, फिर कहते हैं कि हमें वो डिग्री नहीं देते, ये नहीं करते वो नहीं करते, ये देखो कौन सी डिग्री और ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने मेरे असाइनमेंट्स बना के देनी, दोगे ना बना के, देखो झूठा अभी कह रहा था नहीं बना के दूंगा। कैमरा खुला साथ ही वो कर गया, हाँ बिजनेस, तू मेरे लिए असाइनमेंट नहीं बना सकते, चलो ब्रीफ देखूंगा, चलो देखो मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए की है, बाद में मुकरा तो आप लोगों को बताऊंगा मैं। यार यूनिवर्सिटी बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ भी नहीं है यूनिवर्सिटी में सिवाय इसके, ये देखो यूनिवर्सिटी आए हैं भाई, सीधा मरीज से आ रहे हैं, सीधा मरीज से आ रहे हैं, तैयार में सर्दियों में बिल्कुल भाई, हमें 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 इनमें गर्मी लग रही है, तुम शर्ट शर्ट पहन के आए हुए हैं, ठंडे वगैरह ख्वाब देखा होगा ना, स्नोफॉल आ रही है, ख्वाब में स्नोफॉल देखी होनी है ना, ये चक्कर है यार, वो उसने ब्लॉग में डाल दिया है, वाह क्या सीन है, कुछ लगा दूंगा, कुछ लगा दूंगा, अच्छा सीधा लौट से आ रहे हमारे भाई, सीधा लौट से आ रहे हमारे, ये रामदेव क्लास शावर। 2 hours later. वापस आ गए थे, तो आके हम सो गए थे, तो मैं सो के उठा हूँ तो मामा ने कहा आइसक्रीम खानी है और बहन ने कहा कोकोमो खानी है, तो वो ले निकल गया मैंने, फिर मैंने इसको भी खाना दिया था, तो मैंने कहा आओ पैदल ही चलते हैं, शायद इसकी वॉक भी हो जाएगी कैसर कब, और हम यहाँ से हम सामान भी ले लेंगे अपना पैदल ही, करीब दुकान, तो यहाँ का व्लॉग मैं आज एंड करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, पसंद तो इतना कोई खास कंटेंट तो नहीं था, तबीयत के बारे में डिस्कस किया कैस्पर कब,
ये देखो कैसे खुश फिर गाड़ी पे निशान डाल के कम। तो यहाँ पे आज सब लोग एंड करता हूँ, 700 सब्सक्राइबर होने वाले, वो तो खैर हो जाएंगे। आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराएं सारे, इंशाल्लाह फिर आपको कुछ प्राइज़ देते हैं।